एस भी ले गया, डी ए भी ले गया, मुझे पास तो है। दोस्तों, कई बार पुलिस वाले अपने कारनामों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, फिर वो चाहे रिश्वत लेने का मामला हो या किसी और को बेरहमी से पीटने का या फिर किसी महिला के साथ थाने में ही जोर जबरदस्ती करने का। आज किस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही मामले दिखाने जा रहे हैं। ये घटना पंजाब के बठिंडा की है, जहां एक बंद कमरे में एएसआई ने एक विधवा महिला से जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक वो रंगे हाथों दबोच लिया गया। जैसा कि फुटेज में देखा जा सकता है कि जैसे ही अचानक यहां पुलिस वालों ने धावा बोला, उन्हें देखकर एएसआई गुरविंदर सिंह चादर से अपना मुंह छिपाने लगा। आप देख सकते हैं एएसआई के शरीर पर इस समय एक भी कपड़ा नहीं है। वही रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी ये घड़ियाली आंसू भी बहाने लगा। वही वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि महिला अपने शरीर पर गुरविंदर सिंह के द्वारा दिए गए गहरे निशानों को भी दिखा रही है। दरअसल दोस्तों, आरोपी एएसआई ने इस महिला के बेटे पर नशा तस्करी का केस दर्ज किया, जिसके बाद महिला की मदद करने के बदले में वो जबरदस्ती महिला के साथ उसके घर पर जबरदस्ती कर रहा था। लेकिन इसके इस काली करतूत के बारे में गांव वालों को पता चल गया और वो पुलिस को लेकर यहां आ धमके। वहीं किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो शूट कर लिया, जो तेजी से वायरल हो गया। आपको बता दें कि इस घटना के बाद आरोपी पुलिसकर्मी को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। अब पंजाब पुलिस का एक और शर्मनाक वीडियो भी देख लो दोस्तों, जो अंडे चोरी करते हुए कैमरे में कैप्चर हो गया। दरअसल ये वीडियो पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के ज्योति स्वरूप मोड़ का है, जहां इस रेहड़ी पर रेहड़ी वाला नहीं था और पुलिस वाले ने मौका देखते ही यहां से दो बार में चार अंडे चोरी कर लिए। जब तक रेहड़ी वाला उसे पकड़ता, वो ऑटो में बैठकर निकल गया, लेकिन हवलदार की यह हरकत कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जैसे ही ये वीडियो एसएसपी अमनीत कौंडल के पास पहुंची, तो तुरंत उन्होंने हवलदार को सस्पेंड कर दिया। और दोस्तों, ये है कलेक्टर रणबीर शर्मा, जो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में लॉकडाउन के दौरान चेकिंग करने के लिए निकले थे, और ऐसे में इनकी नजर जैसे ही इस इंसान पर पड़ी तो उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी। पूछने पर व्यक्ति ने बताया कि वो कोविड से पीड़ित अपनी माँ के लिए दवाई लेने जा रहा है, तो इन्होंने इसके पेपर जमीन पर फेंकते हुए इसको एक जोरदार थप्पड़ लसीद कर दी और पुलिस कर्मियों से इस पर डंडे बरसाने को कहा। ऐसे में पुलिस वाले ने इसकी डंडे से पिटाई कर दी, जिसके बाद किसी ने इनके इस हरकत को कैमरे में कैप्चर कर दिया। लेकिन जैसे ही वायरल वीडियो छत्तीसगढ़ के सीएम के पास पहुंचा, उन्होंने फौरन इस सन की डीएम को सस्पेंड कर दिया। दोस्तों, आगरा में दूसरों के मामलों को सुलझाने वाले पुलिस थाने में ही हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। दरअसल मामला पति पत्नी और वो का था, जहां महिला सिपाही और उसके पुलिसकर्मी पति के बीच दरोगा की एंट्री ने तूफान ला दिया। दरअसल महिला पुलिसकर्मी को कमरे में दरोगा के साथ देखकर उसके सिपाही पति ने हंगामा कर दिया। नौबत 112 पर कॉल करके पुलिस को बुलाने की आ गई। पति ने पत्नी पर शक करते हुए दोनों के बीच में अवैध संबंध होने की बात कही, लेकिन महिला सिपाही ने दारोगा से पारिवारिक संबंध बताते हुए पति पर शक करने और दहेज मांगने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला यूपी के आगरा का है। बताया जा रहा है कि इस हंगामे के बाद दोनों के बीच तलाक का फैसला हुआ। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान पुलिस की गुंडागर्दी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पुलिस कर्मी बेवजह बेकसूरों पर आए दिन जुल्म ढाते नजर आ रहे हैं, जैसे इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर का है, जहां पुलिस वाले अपने खाकी वर्दी का फायदा उठाकर एक युवक को रात के अंधेरे में बेरहमी से पीट रहे हैं। ध्यान से देखिए इस वीडियो में, शिखर गुप्ता नाम का शख्स फोन पर बात कर रहा है। इतने में सामने खड़े पुलिस वाले युवक को बुलाते हैं। दारोगा उससे सड़क पर घूमने की वजह पूछता है, तो वो बताता है कि वो अपने भाई के लिए दवा लेने निकला था, लेकिन उसकी बाइक खराब हो गई, तो एक दोस्त की कार मांगने उसके घर गया था। दारोगा इस बात पर न आव देखता है न ताव, बस शिखर पर थप्पड़ों की बरसात करने लगता है। इतना ही नहीं, दारोगा और सिपाही उसको लाठी डंडों और लात घूंसों से मारते हैं। इतना ही नहीं, शिखर के दोस्त को भी उसके घर से खींचकर पुलिस वाले उसकी पिटाई तक कर देते हैं। जैसे ये घटना दिल्ली की साल 2020 की है, जब इस पुलिस वाले पर महिला ने आरोप लगाया कि इसने महिला को छेड़ा है, और जब महिला ने बीच सड़क पर हंगामा शुरू किया तो देखिए कैसे महिला से पैर छूकर ये माफी मांगने लगा। दोस्तों, महिलाओं का कहना था कि ये इन पर भद्दे भद्दे कमेंट करता है। आपकी लिपस्टिक बड़ी अच्छी लग रही है।
और आखिर में पुलिस वाले की हरकत पर महिला ने उसे धमकी देते हुए यहाँ से चली जाती है। और अब बिहार के इस नशे में टल्ले पुलिसकर्मी को भी देख लीजिए। अरे जाओ ना, निकाल कर दिखाएंगे, एक फोटो ले ले। जहाँ एक तरफ सीएम नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी को लेकर इतनी सख्ती बरत रहे हैं, तो वहीं पुलिस महकमे का ये कर्मचारी उसकी धज्जियां उड़ाते हुए साफ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि ये पुलिसकर्मी बिहार के रोहतास जिले के बिक्रमगंज थाने में तैनात है। ये जनाब उस समय कैमरे में कैप्चर किए गए जब एक शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए ये यहाँ पहुंचे थे। इतना ही नहीं, जब इस पुलिसकर्मी से पूछा गया कि आपने शराब पी है, तो इसने साफ इनकार कर दिया और कहने लगा कि आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने शराब पी है। कितना रुपया आप पिए हैं? हम नहीं पिए हैं। नशे में टल्ले पुलिसकर्मी ने पत्रकारों और कैमरामैन पर हमला करने की भी कोशिश की और दौड़ते दौड़ते गिर भी पड़े। और इतना ही नहीं, उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं शराब के नशे में ही इन्होंने घटना के बारे में पूरा बयान भी दिया। काफी देर तक इनका ये ड्रामा पोस्टमार्टम हाउस के बाहर चलता रहा, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने इनको संभाला। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष पुलिसकर्मी ही पुलिस महकमे को बदनाम करते हैं, बल्कि इस मामले में महिला पुलिसकर्मी भी कम नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो हरियाणा का है, जहां अपने इस अश्लील डांस से लेडी कांस्टेबल का एक पूरा ग्रुप खाके की इज्जत को तार तार कर रहा है। आप भी देखिए कैसे अपने वर्दी के बटन खोलकर ये आपस में बेहुदा डांस कर रही है। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पुलिस कुछ कम नहीं होती। जैसे उताह में रहने वाली इस महिला को लैटन शहर में इस पुलिस वाले ने अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद अमांडा ह्यूटन नाम की इस महिला ने पुलिस वाले पर इल्जाम लगाया कि उसे पुलिस ने बिना किसी आरोप के पकड़ा है। और इतना ही नहीं, उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश भी की। दरअसल स्पॉटलाइट पर पीछे की ओर जाने के बाद अमांडा ह्यूटन ने पुलिस को मदद के लिए बुलाया। उसे उम्मीद थी कि लैटन सिटी के ऑफिसर उसकी मदद करेंगे और इसके बजाय उसे DUI के लिए गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद बॉडी सर्च के दौरान उसने महसूस किया कि ऑफिसर ने उसे गलत तरीके से टच कर लिया है। दरअसल वो फील्ड सोबरिटी टेस्ट में फेल हो गई, जबकि उसका कहना था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो लगभग 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से टकराने के बाद हिल गई थी। हादसे के बाद उसकी पूरी कार डैमेज हो गई। ह्यूटन को ज्यादा बुरा तब लगा जब हथकड़ी लगाए जाने के बाद अधिकारी ने ड्रग्स या हथियारों की जांच के लिए उसके बस की तलाशी ली। अब यहाँ पाकिस्तान के इस्लामाबाद के एक पुलिसकर्मी के साथ इस महिला का हॉट एंड सेक्सी डांस भी देख लीजिए, जहाँ मस्त होकर पुलिसकर्मी महिला के साथ जमकर ठुमके लगा रहा है। इतना ही नहीं, महिला ने इस पुलिसकर्मी की वर्दी भी पहनी है। आपको बता दें कि वीडियो में अश्लीलता की सभी हदें पार कर दी गई। जिस तरह यहाँ पुलिस की इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और इसके बाद इस्लामाबाद की पुलिस की भी काफी किरकिरी हुई। दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया था कि कुछ पुलिस वाले अपने कारनामों से पुलिस की इज्जत पर ऐसा बट्टा लगाते हैं जिसे देख कर लगता है जब ये खुद गैर कानूनी काम करते हैं तो ऐसा करने वालों को क्या पकड़ेंगे। जैसे देखिए कैसे चुपचाप ही पुलिसकर्मी धीरे से इंसान से रिश्वत ले रहा है। अब जब बात पुलिस वालों की हो ही रही है, तो हम आपको इस वीडियो से रिलेटेड एक सही जानकारी भी दे देते हैं। दरअसल अप्रैल 2021 में सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें पुलिस वाले की एक कपल के साथ बहस हो जाती है और अचानक वो लड़के को गोली मार देता है। और जब लड़के इसका विरोध करती है तो पुलिस वाले को भद्दी भद्दी गालियां देती है, तो पुलिस वाला उसे भी गोली मार देता है। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और लोग पुलिस को बदनाम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन असल में इसके पीछे की कहानी कुछ और थी। दरअसल ये वीडियो हरियाणा के करनाल का है, जहां ये सीन एक वेब सीरीज के लिए शूट किया जा रहा था, जिसके बारे में यूपी पुलिस में काम करने वाले एक ACP ने ट्वीट कर ये सब जानकारी दी। तो ये थे कैमरे में कैद कुछ पुलिस वालों की ऐसी हरकतें जिसने पूरे पुलिस महकमे को शर्मसार होने पर मजबूर कर दिया। अगर आप वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें। धन्यवाद।